सोनादर के पास गौशाला से आधा दर्जन लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया। बीते 24 घंटों से अधिक समय से जिले भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं पवई विधानसभा में मूसलाधार बारिश की वजह से पतने नदी कैन नदी उफान पर है। पतने नदी में बाढ़ के कारण से सोनादर के पास गौशाला में आधा दर्जन लोग फंस गए थे, जिसकी जानकारी पन्ना कलेक्टर के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से एसडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। वहीं प्रशासन भी लगातार नदी नालों के किनारों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। अभी भी बारिश का दौर जारी है। कलेक्टर साहब के माध्यम से जानकारी मिली कि पवई अंतर्गत 6 लोग टापू पर फंस गए हैं। जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमारे 4 से 5 कंटिन्यू चल रहे थे, तो जैसी जानकारी मिली हमने समाप्त किया और हम यहाँ पर अपने आ गए। अब कहाँ, कैसा, क्या, कैसी लोकेशन? सर, काफ़ी मुश्किल पड़ी और हमारी टीम है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना, कि जिला सेना सब मार्गदर्शन भी हमारे बना रहा, क्योंकि पानी के तेज प्रवाह में उनको रेस्क्यू सुरक्षित बाहर निकालना बहुत ही टफ कार्य था।